असम के मुख्यमंत्री जो हैं 2002 में वो शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर वो चाहते हैं, उनकी नीयत अच्छी होती तो असम के स्कूल और अस्पताल शानदार हो जाते। असम के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ में क्यों इलाज करवाना पड़ रहा है, पटना क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल नहीं है। तो अभी भी उन्होंने, उनकी पत्नी ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं। अब प्राइवेट स्कूल अगर मुख्यमंत्री के होंगे तो सरकारी स्कूलों को कैसे चलाएंगे वो? 8,000 स्कूल बंद कर दिए, लेकिन पंजाब और दिल्ली में हमने इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए कि प्राइवेट से निकाल के माता पिता जो हैं वो स्कूलों अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे, यकीन बन गया है। तो उनका ये कहना आएंगे चाय बागान देखेंगे, उनकी गलत फहमी या खुश फहमी है, 4 जून को पता चल जाएगा। देखिए समस्याएं तो एक जैसी, करप्शन, हमने करप्शन पे कंट्रोल किया पंजाब में, बिजली 90% लोगों को पंजाब में बिजली का बिल नहीं आता, जीरो आता है। फिर उसके बाद नौकरियां, मैं 43,000 नौकरियां दे चुका हूं 2 साल में, सरकारी नौकरियां। फिर हम प्राइवेट सेक्टर के थर्मल प्लांट हम खरीद रहे हैं और बजट हमारा अभी उठ रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों ने गलत किया था, लेकिन अभी हम पंजाब को पूरा पांव पर खड़ा करेंगे। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। फौजी जवान जो हैं पंजाब के, कोई शहीद होता है 1 करोड़ रुपया उसकी, उसके भोग से पहले 1 करोड़ रुपया सम्मान देते हैं। हालांकि कोई शहीद की कीमत नहीं होती, लेकिन कोई कबीलदारी या घर की आर्थिक हालत ठीक हो जाती। तो असम में सेम समस्याएं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, वही हमारे थी, हम ठीक कर रहे हैं। दिल्ली में भी ठीक कर लिया, अभी टाटा स्टील 2nd biggest आफ्टर जमशेदपुर लुधियाना में आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगिक घराने आ रहे हैं, आए काम करें। वो वैसे तो नहीं आएंगे ना, वो तो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं ना, तो सब कुछ कंट्रोल में। सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, का जो यहाँ मतलब लागू कर किया है उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए पहले अपने वालों को तो नौकरी दे लो, पहले अपने वालों को तो बिजली पानी की सहूलत दे दो, उनको तो बाद में बुला लेना। ये सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए मैंने इस पे जब डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में था मैं, तो मैंने ये कहा था कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सर एक मिनिस्टर है यहाँ का, उसने बोला आप एक पाप है, आप एक पाप है, मतलब आम आदमी पार्टी एक पाप है, ऐसी भाषा तो वो ही बोल सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फ़ोन करके पूछ लेना, अपने जर्नलिस्ट भी होंगे आपके दोस्त मित्र, कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कैसी है। लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी सुधर गई, एक घर में 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां मिल रही हैं और बिजली फ्री हो गई है और सड़कें तो पंजाब में वैसे ही शानदार है। बोल रहा है कि वो बाप है। मैंने बोला है सर, डर आम आदमी पार्टी बाप है, दिल्ली और पंजाब में बाप है, असम में बाप होने जा रहा है। असम में भी 2026 में, ये मैं मेरी बात लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, 2026 में अप्रैल में चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी असम।